देखिए फ्रेंड्स, ये सैमसंग का B313 है। इसमें रिंगर कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, मतलब रिंगर की प्रॉब्लम है स्पीकर की। तो इसका जो ट्रैक है वो आइस पावर आईसी से सीधे निकल के जो है इस कॉयल के थ्रू, कॉयल नहीं बेसिकली ये कैपेसिटर है, यहाँ से निकल के जो है ये, और ये दूसरा लाइन है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट। ये दोनों ठीक है, ये भी है, तो ट्रैक तो सही है, लेकिन फिर भी जो है इसको हम क्या करते हैं, रिसोल्ड करके देखते हैं।
फ्रेंड्स अभी भी ये नहीं चल रहा है। स्पीकर से जो है कि आवाज़ नहीं आ रही है। हालांकि हमारा स्पीकर भी जो है कि सही है। देखते हैं। अब इसके बाद तो जो है कि सप्लाई लाइन सीधे आईसी में निकल रही है और ये क्वाइल भी दोनों जो है कि सही है। ट्रैक तो प्रॉपर है। देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि हम इसको थोड़ा सा हीट मारने जा रहे हैं, तो ये हीटर हम रख रहे हैं 300 पे और ये 4.5 के आसपास है एयर। इसकी मेन एसी को थोड़ा सा हीट करके देखते हैं नॉर्मली, और इसको ज़्यादा देर तक हीट नहीं करना है, और हीट करने से पहले इसके साइड का पेस्ट जो है कि हटा लेना है, नहीं तो सेट देखिए फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा जो है कि एसी को रीहीट किए हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसका प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं। ये इसका टूटा हुआ है, ओके हो गया फ्रेंड्स। और आप आईसी को हीट करते समय जो है कि उसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि वो साइड का जो पेस्ट लगा होता है उसको जो है कि निकाल के हीट करना है। अब ये नहीं कि उसी पे हम हीट करने चल दिए तो जो है कि सेट लग बाई चांस बंद हो गया।